अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मे आयशा के न्यू एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुशी गुस्से में आकर कहती है असवंत से कि मुझे लगता है कि ताई अम्मी हम दोनों की इंगेजमेंट करवा कर पछता रही हैं। तो असवंत कहता है कि अभी तुमसे किसने कहा है। हालांकि असवंत ये जानता है कि उसकी माँ अनुशी को पसंद नहीं करती। तो अनुशी कहती है तुमने देखा नहीं कि ताई अम्मी ने बातों बातों में अपने दिल की बात कह दी है। इन्हें मुझ जैसी नहीं बल्कि आयशा जैसी बहू चाहिए थी और अब वो हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि किस तरह हमारा रिश्ता ख़त्म करवा कर तुम्हारी उस आयशा से शादी करवा दी जाए। दूसरी तरफ एहतशाम कहता है आयशा से आकर के मंगनी के लिए इनकार करने की वजह क्या है। आखिर क्या तुम किसी और में इंटरेस्टेड हो जिसकी वजह से इतना बड़ा तमाशा बनाया है तुमने, जिसकी वजह से तुमने हमारे ख़ानदान की इज्जत का ख्याल भी नहीं किया। तो आयशा उसकी बात सुनकर बहुत गुस्से में आ जाती है। तो आयशा गुस्से में आकर कहते हैं अपनी बकवास बंद करो, दिमाग ख़राब हो चुका है तुम्हारा। तो एहतशाम कहता है कि बकवास मैं नहीं, बकवास सब लोग कर रहे हैं। तुम्हारा ये पर्दा करना और स्कार्फ पहनना सिर्फ दिखावा है, असल बात तो यह है कि तुम्हारा किसी और से अफेयर चल रहा है, जिसकी वजह से तुमने हमारे ख़ानदान की इज्जत का ख्याल भी नहीं किया। तो आयशा उसकी बात सुनकर बहुत गुस्से में आ जाती है। जबकि दूसरी तरफ आयशा के बाबा उसकी माँ से कहते हैं कि बहुत ही बेकदरे लोग थे, अपनी अना की खातिर मेरी बेटी की दिलाजारी की है इन लोगों ने, पता नहीं आजकल की दुनिया को क्या हो गया है। दूसरी तरफ आयशा जाती है असवंत की माँ से मिलने उसके घर, क्योंकि उसकी माँ ने आयशा को बुलाया होता है। तो जब वो वहाँ जाती है तो जुबैरिया की कॉल आ जाती है, तो वो कॉल सुनने के लिए दूसरी तरफ आ जाती है और जुबैरिया उसे असवंत के बारे में बात करती है कि आप ही आप असवंत को बताती कि उन्हें कि आप उससे मोहब्बत करती हैं। तो आयशा कहती है कि मैं मानती हूँ कि मैं असवंत से मोहब्बत करती हूँ, लेकिन मैं इस बारे में कभी किसी को और असवंत को कुछ भी नहीं बताऊँगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि असवंत मुझसे नहीं अनुशा से मोहब्बत करते हैं और इन दोनों की शादी होने वाली है और मैं इन दोनों की खुशियों में रुकावट नहीं बनना चाहती। अभी आयशा जुबैरिया से बातें कर ही रही होती है कि पीछे से अनुशा जाती है और आयशा की सारी बातें सुन लेती है। और ये सुनकर आयशा को असवंत से मोहब्बत है, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और आयशा देखकर घबरा जाती है कि अब वो क्या करेगी। अनुशा ने उसका सारा राज जान लिया है और वो असवंत को इस बारे में बता देगी और ये जानकर यास्मीन आंटी और असवंत का क्या रद्दअमल होगा और शायद जानने के बाद वो सब मुझसे नफरत करने लगेंगे। तो आप सबको क्या लगता है आयशा के न्यू एपिसोड में अब क्या नया मोड़ आने वाला है, ये जानने के लिए हमारी वीडियोज़ को देखते रहिए। इसके साथ साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के अलावा चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद नई वीडियोस बासानी आपको मिल सकें। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।